आपने लगभग 130-135 घर बनवाए हैं, लेकिन आप उनका जिक्र कहीं नहीं करते। जो मापदंड है पार्टी ने रखे हैं चिकित्सार्थी के लिए, भाई चिकित्सार्थी कैसा होना चाहिए, उसमें मैं अपने आप को जो दावा करते हैं चिकित्सार्थी, उसमें मेरे ख्याल से मैं अपने आप को पहले नंबर पे पाता हूँ। मैंने 5% से शुरुआत की थी अपनी कमाई से हर महीने बचा, अब मैं तीसरा हिस्सा मेरी बचत का समाज के लिए देता हूँ। अच्छा, 2019 में जो है जितने भी नेता चुनाव लड़े थे उनमें तो सिर्फ प्रेम मलिक के साथ समाज सेवी की उपाधि थी, ईद देखो हर दूसरा नेता जो है अपने नाम के पीछे समाज सेवी लगा ले। आज से 5 साल पहले 22,000 वोट आई जी, तो ईद जो है वो कुंडा बढ़िया भी होगा और ऊपर से कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल जाती है। हाँ। तो क्या प्रेम मलिक पहले के जो भी रिकॉर्ड है हाँ। तोड़ देगा सर? हाँ। नेता हर कोई कहता है कि बी प्लान है हाँ। अगर टिकट कट गई प्रेम मलिक का भी बी प्लान होगा। मेरी प्राथमिकता ये है कि कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये जो सीट है ना हांसी की, ये खोना नहीं चाहते। टिकट आपको मिल जाती है, विधायक आप बन जाते हैं हाँ। हर नेता का एक मकसद होता है, कैया का अवेला घर भर लिया, कैया का सामाजिक सेवा हाँ। आपका मकसद क्या है? नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइफ देख रहे हैं आप। 2019 के चुनाव की मैं बात कर लूं, एक ऐसा मोल बन रहा था कि इंडिपेंडेंट तो छोड़ो, पार्टियों के नेताओं की भी जमानत जब्त हो रही थी। उस वक्त हांसी विधानसभा से एक नेता आए, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और लगभग 22,000 वोट ले गए। वो नेता फिलहाल हमारे पास है। भाई जी नमस्कार, स्वागत। नमस्कार, नमस्कार अंकित भाई। अच्छा, मैं बात 2019 के चुनाव की कर रहा हूँ जी। अच्छे खासे जो तुरम खा के जाकर राजनीति के, उनकी जमानतें जब्त हो रही थी, आप 22,000 वोटे ले गए, तो उसके पीछे का राज क्या था? देखिए, मैं पिछले 19 साल से 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ, समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सुख दुख में हमेशा साथी रहता हूँ और खेल और पढ़ाई के क्षेत्र में मेरी ये कोशिश रहती है कि किसी भी अभाव में कोई प्रतिभा छुपी ना रह जाए। फिर दूसरी बात यह है कि जो कुछ परिवार ज़रूरतमंद परिवार होते हैं, बच्चियों की शादी होती है, तो जो मेरे पास आया मैंने कभी निराश नहीं होने दिया, जो मेरे से हो पाया पूरा सहयोग मैंने अपनी तरफ से किया। मैं आपको बता दूं, लगभग इस 19 साल में 2200 ज़रूरतमंद परिवारों की बच्चियों की शादी में योगदान मैंने अभी तक दिया है। अच्छा, और खेल के क्षेत्र में लगभग अब तक 13,500 ट्रैक सूट बच्चों ने पहने हैं। एक और बता दूं, मैं थोड़ा सा गुणगान कम करता हूं अपनी बात का, कभी भी किसी ट्रैक सूट पे या किट पे अपना लोगो या नाम नहीं लिखवाया। तो धीरे धीरे समाज से जुड़ता चला गया, तो समाज ने भी फिर मुझे कहा, भाई आप जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हो, हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए ईमानदार और जो समाज में समाज की भलाई करता रहे। आपने जिक्र कहा कि मैंने अपने मुंह से ज़्यादा बिड़ाई पसंद नहीं है हाँ हाँ। मैं बता दूं, आपने लगभग 130-135 घर बनवाए हैं, लेकिन आप उनका जिक्र कहीं नहीं करते। वो मैंने 2-4 दिन पहले एक और इंटरव्यू में बता दी थी, रिपीट करना अच्छा नहीं है। उसके अलावा देखिए, स्कूलों में बाउंड्री करवाना, अगर नीचे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में बात कर रहा हूँ मैं, नीचे पढ़ रहे हैं तो उनमें बर्थ करवाना, कहीं गेट टूट गया तो गेट लगवाना, कहीं ब्लॉक्स वगैरह लगवाना, कहीं जनरेटर वगैरह की ज़रूरत है, कहीं लाइब्रेरी में सामान की ज़रूरत है, और यहाँ तक भी मैंने कमरे भी बनवाए हैं स्कूलों में, और अध्यापकों की व्यवस्था भी मैंने अपने सुल्तानपुर में की हुई थी। अभी अध्यापक एक टीचर की कमी थी, साइंस के टीचर की, तो अध्यापक भी मैंने अपनी तरफ से दिए हैं जहाँ स्कूलों में कमी थी, ताकि बच्चे एक अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके। कुछ परिवार ऐसे हैं जो मतलब कि किसी भी तरीके से कोई
घर में बीमार है या कोई और कारण है, उनका गुजारा नहीं हो पाता। हाँ। तो कुछ लंबी बीमारी से जो चल रहे हैं उनके लिए मैंने अभी भी मेरी 48 जगह पेंशन चल रही है। अच्छा। वो चाहे दवाई की लगा लें, चाहे उनके घर की मदद लगा लें, तो वो जो पेंशन है 48 घरों में अभी भी चल रही है और कई साल से चल रही है, लगातार चल रही है। तो समाज से जब जुड़ेंगे तो समाज देखो फिर साथ भी देता है, दुआएं भी देता है। हाँ। और दुआएं जो है ना, मतलब बड़ी बात क्या बताऊंगा मैं, 2005 से मैंने प्रण किया था और आपकी ताई और मेरी माँ उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी। हाँ। बेटे अकेले मत खाना, देखो बहुत गरीब परिवार में, किसान परिवार में जन्म लिया, तो उस गरीबी को, अभाव को, वो क्या होता है उसको मैं बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि उस हालात से मैं गुजरा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो माँ की शिक्षा मानते हुए मैंने 5% से शुरुआत की थी अपनी कमाई से हर महीने बचत। अब मैं तीसरा हिस्सा मेरी बचत का समाज के लिए निकालता हूँ। अच्छा, 2019 में जो है जितने भी नेता चुनाव लड़े थे, हाँ, उनमें तो सिर्फ प्रेम मलिक के साथ समाज सेवी की उपाधि थी। इब देखो हर दूसरा नेता जो है अपने नाम के पीछे समाज सेवी लगा ले है। हाँ। देखिए क्या एक प्रचलन सा चल पड़ा, ये हंसी की बात नहीं कर रहा मैं, मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान में ही एक प्रचलन सा चल पड़ा कि समाज सेवी के नाम से, समाज सेवी के नाम से। मगर समाज की जो सेवा है, मैंने कभी राजनीति में नहीं सोचा था जब शुरुआत की थी मैंने। जैसे आपने देखा होगा सुल्तानपुर में 2005 से लेके और अब तक हर साल मैं एक प्रोग्राम करता था और करता आया भी हूँ कि जो हमारे मेधावी छात्र हैं, चाहे वो 10वीं के हों चाहे 12वीं के हों, बोर्ड की परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, उनको प्रोत्साहन राशि मैं शुरू से देता रहा हूँ। गरीब जो परिवारों के बच्चे थे उनकी ड्रेस वगैरह सर्दियों की मैं देता रहा हूँ। कल्चरल एक्टिविटीज में सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको हम बोलते हैं, उसका मैं कंपटीशन की भावना बच्चों के अंदर आए और उनकी झिझक निकले, मतलब संकोच ना रहे। हाँ। और वो जो है ना अपने आप को एक्सपोज कर सकें, उनका आत्मबल बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, तो उस से मेरे को जो ना, मैं आपको हैरान हो गया आप सुन के, एक बच्ची ने टूर मैंने भेजा था सुल्तानपुर गांव से, स्कूल का टूर बच्चों का भेजा था वाघा बॉर्डर, तो वहां से ऐसी रिपोर्ट आई कि वहां कंपटीशन हो गया स्कूलों का आपस में कि भाई बच्चा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है कौन अच्छा करता है। हाँ। उसमें आपको हैरानी होगी कि सुल्तानपुर की बच्ची ने टॉप किया था, और वो बच्ची हर साल मेरा जो सालाना प्रोग्राम होता था उसमें हर साल छोटी सी बच्ची थी, वो धीरे 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 मतलब इतनी परफेक्ट हो गई वो, और इतना उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया कि वहाँ वाघा बॉर्डर पे भी हमारी वाहवाही करके आई थी। अच्छा, आपकी जानकारी खातर बता दूँ, कल्चरल प्रोग्राम में आपके हाथों में भी कई बार सम्मानित होया हूँ, वो फोटो भी है मेरे पे कई। अच्छा अच्छा। बड़ी सौभाग्य की बात है ये मेरी भी, मगर मुझे याद नहीं है। हाँ। दर्शकों ने जिन्हें नहीं पता बता दूं कि भाई जी भी सुल्तानपुर गांव से है और मैं भी सुल्तानपुर गांव से हूँ, तो वहाँ कई बार मैंने भी जो है परफॉर्म कराया और भाई जी हर साल वो प्रोग्राम कराया करते, तो कई बार मैंने भी वो सौभाग्य मिला। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि मैंने जब शुरुआत की थी ना, अब आपने सवाल पूछा कि बस सभी समाज सेवी अपने आप को बोलने लग जाते हैं, समाज की सेवा किसने की है ये समाज जानता है। देखिए असहाय जो होता है, और जब मुझे पता चलता है, बहुत सारी बात ऐसी है, कई दफ़ा ना मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि किसी गरीब परिवार में शादी है, ऐसा है परिवार में, और मेरे को उसका इनविटेशन नहीं मिला और मुझे पता चल गया, मैं निसंकोच पहुंच गया, तो वो परिवार ने भी सोचा कि इसको बुलाया भी नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ भाई, आप अपने अकेले की बच्ची मत मानो, ये बच्ची मेरी भी है। बिल्कुल। मेरी भी ड्यूटी है, मुझे पता है भाई आपने का जो सिस्टम है वो जो है ना थोड़ा सा भाई, तो हाँ, तो उस वजह से जो है ना मैं मतलब कि कई जगह तो ऐसे भी पहुँच जाता हूँ। तो समाज सेवा एक्चुअली वो होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। तो 19 साल से मैं जो समाज में लगा हुआ था और समाज ने मुझे समाज सेवी मान लिया,
तब 15 साल हो गए थे उस टाइम मुझे समाज सेवा करते हुए। तो 2019 आया तो उसी समाज ने मुझे कहा मलिक साहब इलेक्शन लड़ोगे। मैंने कहा भाई मेरी राजनीति का तो विचार नहीं था, बिजनेसमैन हूं मैं। कहते नहीं, हमें ऐसे ही इंसान की या नेता की या प्रतिनिधि की जरूरत है, आप हमारे कहने से ये चुनाव लड़ोगे। तो उस क्रम में सबसे पहले मैंने अपनी साथवास से सलाह की, साथवास ने सबने मेरे को मंजूरी दे दी, आशीर्वाद दिया। फिर मैंने एक बात और रखी उनके सामने कि आप एक संकल्प लो कि हम सारे एकजुट होके चलें। देखो हमारी मतलब है तो सारी हंसी हल्का ही सारा, मगर घर होता है अपना, जहाँ घर जब मजबूत होगा तो फिर हल्का भी मजबूत हो जाता है, उसके साथ लगने लग जाता है। तो मैंने कहा भाई प्रेम जरूरी नहीं है, किसी भी भाई को ले आओ, चाहे अंकित भाई को ले आओ, किसी को भी ले आओ, आप संगठित नहीं होगे ना तब तक हमारा जो आवाज़ हमारी वो हल्के में या किसी भी राजनीतिक दलों में वो नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी हिम्मत उन्होंने बढ़ाई और बड़ा जो है ना मेरे को विश्वास दिलाया कि इस बार संगठित होके इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे चाहे वोट आओ, अपनी 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 वोट बाहर नहीं जाने देंगे। और वो करके भी दिखाया। तो बड़ी मुझे खुशी मिली और बड़ा गर्व महसूस हुआ कि सात बार पहली बार संगठित होके और मुझे जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, उसके लिए वो मैं ऋणी हूँ। और उस ऋण को उतारने के लिए मेरा और हौसला बढ़ा और वो ऋण मैं कोशिश करूँगा भाई भविष्य में उतार के रहूँगा। अच्छा, आज से 5 साल पहले 22,000 वोटें आई थी जी, तो ईब जो है वो कुणबा बढ़िया भी होगा और ऊपर से कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल जाती है। हाँ। तो क्या प्रेम मलिक पहले के जो भी रिकॉर्ड है हाँ, वो तोड़ देगा सारे? उम्मीद है जो भाईचारा मेरे साथ जुड़ा है, अभी भी मैं निस्वार्थ भाव से लग रहा था, जैसे आपने बताया भाई किसी माध्यम से पता चला इतने मकान बनाए हैं, तो देखो वो जुड़ेंगे, जिसके घर में बच्ची की शादी में सहयोग किया है वो जुड़ेंगे, जिन बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला या आगे बढ़ने का रास्ता मिला या घर में अभाव की वजह से उनके पास सामान नहीं था, वो अगर मुहैया करवाया है इस 5 साल की दौरान है, इस दौरान की बात कर रहा हूँ आपको, तो वो कहीं ना कहीं समाज मेरे साथ और ज़्यादा जुड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर जो 22,000 की वोट की नफरी थी वो मेरे ख्याल से डबल में तो तब्दील हो गई होगी। अच्छा। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, किसी नेताओं से बात होती है ऑफ कैमरा होती है हाँ, तो लेकिन आपकी छवि ऐसी कि बेबाक बोलते हो, जो बोलते हो कैमरा पे बोल देते हो। हाँ, हाँ। नेता हर कोई कहता है कि बी प्लान है हाँ, अगर टिकट कट गई, कोई हाँ, कहता है चेयरमैनी के लिए ट्राई करूंगा हाँ, कोई कहता है दूसरी पार्टी से टिकट ले आऊंगा हाँ, कई कहते हैं पार्टी के समर्पित सिपाही है, पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी वहाँ खड़े मिलेंगे। प्रेम मलिक का भी बी प्लान होगा? हाँ बिल्कुल है मेरा। मैं आपको बता दूं, राजनीतिक आदमी मैं नहीं हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ। समाज की सलाह के बिना कहीं नहीं चलूंगा। समाज जो सलाह देगा, भाईचारा छत्तीस बिरादरी का जो आदेश देगा, उसके मुताबिक चलूंगा। मगर एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरा विधायक बनना, क्योंकि मेरे बाप दादा भी नहीं रहे, हमारे परिवार में कोई मतलब ऐसी उपलब्धि इस टाइप की नहीं मिली, मेरा जो सोच है वो ये नहीं है कि विधायक ही बन जाऊं। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो मकसद है, मेन मकसद वो ये है कि जो जन विरोधी जो पार्टी है बीजेपी, भाई उसको इतना तो मेरा लेवल नहीं है, इतनी तो मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं हरियाणा से भगा दूं, मगर मेरी ये कोशिश है कि हाँसी हल्के से बीजेपी को भगा दूं। उस क्रम में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हाँसी में बीजेपी को ना जीतना जाए, जिताया जाए, और जिसको भी टिकट मिलेगी तो मेरा जो अंतर्मन की जो भावना है वो ये है कि उसको जिता के लेके आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक एक हलके को हम संभालेंगे
तब ही कांग्रेस की सरकार बन पाएगी और तब ही हम बीजेपी को इस जन विरोधी नीतियों, मतलब कि अत्याचार भी कह सकते हैं, इनको हम अत्याचार किया इन्होंने, अत्याचारी पार्टी है, बेभावना की पार्टी है और जुल्म इतने ढाए हैं हर समाज के ऊपर, तराई तराई मचाई हुई है 10 साल के अंदर। तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि हंसी हल्के से, कम से कम हंसी हल्के से तो बीजेपी को भगाया जाए। और जब सभी हलकों में, 90 हलकों में ये सोच हम लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना दोबारा, तिबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य, प्राथमिकता मेरी ये नहीं है कि मैं विधायक बनूं, मेरी प्राथमिकता ये है कि कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उस जब सरकार आ जाएगी, मुख्यमंत्री जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो उनका दे धर्म जाने। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है कि प्रेम सिंह मलिक को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना जरूरी है, खुद को एमएलए बनाना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए हम सॉरी, ये जो सीट है ना हांसी की, ये खोना नहीं चाहते। मौका परस्त लोग होते हैं जो, मतलब कि पक्की पकाए भोजन के अंदर रेत की मुट्ठी फेंक देते हैं, ना खाने लायक रहता ना खिलाने लायक रहता। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और हुड्डा साहब को भी आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, हांसी की सीट जो है वो हम निकाल के देंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जिता के यहाँ से भेजेंगे जिसको भी टिकट मिलेगी। मगर एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दावा छोड़ दिया। दावा मेरा, जो हाई कमान ने जो फैसला लिया है उस पे 2-3 ग्राउंड्स लिए हैं कि इस बार जो टिकट है वो सिफारिश की बजाय कैंडिडेट का क्या असर है, क्या प्रभाव है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें 2-3 बातें रखी गई थी, जैसे भाई समाज में वो कितना सामाजिक है, उसको कितने परसेंट लोग जानते हैं। अच्छा, किसान आंदोलन के दौरान भाई, क्योंकि किसान विरोधी ये पार्टी थी और किसान आंदोलन के कारण कांग्रेस का ग्राफ बहुत अच्छा उठा है, कोई शक नहीं है। खिलाड़ियों के साथ जो बर्बरता हुई उसमें किसने जो ना वहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाके वहाँ उनका साथ दिया और उसकी छवि कैसी है, उसकी शिक्षा कैसी है, वो क्या वो कार्य करने में सक्षम है, क्या वो शारीरिक रूप से अपने आप को फिट है, तो ये बहुत सारी बातें जो ना, और सर्वे भी चल रहे हैं। पिछली जो 5 साल की मैं बता दूं आपको मेरी गतिविधि रही, हांसी में 10 साल से, हांसी में बता रहा हूं आपको, हांसी की बात करेंगे, पिछले 10 साल से कांग्रेस की जो सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, कोई भी जनसभा मैंने नहीं देखी। और जब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है, 3 जनसभाएं मैंने बहुत अच्छी, हजारों की तादाद में, एक दीपेंद्र जी यहाँ आए थे फरवरी में पिछले साल 19 में, फिर चैनेत में मैंने एक प्रोग्राम किया था गांव में, उसमें भी हजारों की संख्या में, और खास बात यह थी कि महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में थी। उसका भी एक कारण मैं बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जो ताई जी हैं वो महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा, बहुत धार्मिक विचारों की हैं और बहुत ज्यादा अटैच में रहती हैं, समय समय पे उनके बीच में जाती हैं, कोई फंक्शन होता है तो वहाँ जो है ना महिलाएं, जैसे सावन का महीना चल रहा है, गीत गात गा आगरा इकट्ठी होगी, भाई चुनरी बांट आई, सूट बांट आई, शाल बांट आई, तो उनका भी बहुत अच्छा मेरे को सहयोग साथ में मिला हुआ है, तो महिलाएं इस वजह से मेरे प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में आती हैं। तो मैंने तीसरा जो था प्रोग्राम हमारा, हिसार जो रैली थी, तो मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी जब यहाँ आए थे रैली से 1 हफ्ता पहले, तो सबकी जिम्मेवारी लगा रहे थे,
तो मेरी जो जिम्मेवारी लगाई गई थी उससे 2000 ज्यादा हांसी हल्के से मेरे साथ 36 बरादरी का भाईचारा वहां गया था। जो जिम्मेवारी दी थी, फिगर तो मैं नहीं बताऊंगा, जो जिम्मेवारी मुझे दी थी उससे 2000 ज्यादा की तादाद वहां पहुंची थी। और मैंने हुड्डा साहब को एक आश्वासन दिया था कि दीपेंद्र जी, एमपी साहब, आप चाहे 15 दिन बाद गिनती कर लेना, मेरे आदमियों की गिनती आपको आसानी से हो जाएगी। वो कहते हैं वो कैसे होगी भाई, तो वो बाई चांस इसमें पंचायती रामलीला ग्राउंड में हमारी वो रैली की तैयारी के लिए मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ सामने बहुत बड़ी फोटो बड़ी सुंदर सी लगी हुई थी दीपेंद्र जी की, और वो गुलाबी पगड़ी पहने हुए थे। गुलाबी पगड़ी थी, तो मैंने कहा जी ये जो आप गुलाबी पगड़ी पहने हुए हैं ये मेरा ड्रेस कोड रहेगा। कहते कमाल करोगे, मैं कहा बिल्कुल, आप एक एक दूर से देख लेना, महिलाओं की गुलाबी वायल और आदमियों के गुलाबी साफे या खंड के। तो जब वो प्रोग्राम हुआ तो दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे को वहाँ मंच पे ही मेरे को बड़ी अच्छी शाबाशी दी। तो मैं कहने का अभिप्राय मेरा ये था, पिछले 10 साल में किसी भी जो आज टिकटार्थी हैं 200 आदमियों का भी प्रोग्राम नहीं किया, और मैंने 2 साल हुए ज्वाइन किए हुए, 2 साल के अंदर 3 जबरदस्त प्रोग्राम तो ये कर दिए, और चौथा और बता दूं आपको मैं, अभी रोड रैली थी हरियाणा ही साहब मांगे, तो उसमें भी आपने देखा होगा सबको, हमारे जो नवनिर्वाचित एमपी साहब हैं जेपी जी, उन्होंने मीटिंग ली थी कि भाई अपनी अपनी तादाद दिखाओ। मैं कहा जी दिखा देंगे, कह रहे नहीं ऐसे नहीं, अपने अपने पॉइंट अपने अपने ठिकाने अलग बनाओ ताकि हम पहचान सकें भाई किसके साथ कितने आए हैं। तो मुझे गर्व फील होता है कि अपने पॉइंट पे सबसे ज़्यादा 36 बरादरी का समाज आया, महिलाएं भी खूब आई, और सौभाग्यवश दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी वहीं से संबोधित किया। मेरे ख्याल से आप वहाँ हाजिर भी थे, मेरे ख्याल से इस बात के गवाह भी हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए और जो पहले मैंने बातें बताई, जो कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया ही कमान ने, उन सारे मापदंडों पे मैं मेरे ख्याल से पहला इंसान हूँ जो खरा उतरता है। देखो 13 महीने किसान आंदोलन में मैं रहा, वहाँ परमानेंट टेंट लगा हुआ था, वहाँ खाने की बिस्तर की सारी व्यवस्था मैंने की, बरसात बीच में आ गई टेंट फट गया दोबारा बनवा दिए, 2 FIR मेरे खिलाफ हुई। तो मैयर टोल पे आपको पता है शायद या ना पता है, यहाँ भी मेरा अच्छा सहयोग रहा, मैंने यहाँ खुले मंच पे ये कहा था कि भाई अभाव की वजह से कोई भाई यहाँ से भूखा प्यासा ना जाए, चाय और खाना की व्यवस्था जो ना, क्योंकि किसान पंजाब से भी आते थे, राजस्थान से भी आते थे, और हरियाणा के भी डबवाली तक सिरसा तक वो आते थे, तो यहाँ भी व्यवस्था की। मेरे याद है आपने कहा था चाहे करोड़ों का लग जाए लेकिन पीछे नहीं हटना है, तारा भाई की ड्यूटी लगा दियो, खड़ा मिलूंगा। हाँ, तो वो भी मैंने पूरी कोशिश की अपनी जो कर्तव्य निभाने की। फिर किसान नेता जो हमारी कोर कमेटी के नेता हैं, बड़े बड़े किसान नेता जब भी यहाँ से आते थे तो उनकी ठहरने की व्यवस्था भी मैं यहाँ करता था। तो इसके बाद आ जाती है खिलाड़ियों का जो साथ दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जोर लगाया था भाई जिनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ जो भी प्रदर्शन किए, प्रदर्शन में वहाँ मैं कई दफ़ा शामिल रहा, वहाँ उनके लिए कुछ ड्राई फ्रूट कुछ बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह चादर वगैरह उनकी भी व्यवस्था की, और भरपूर आवाज़ उठाई, आंदोलन में साथ रहा अपने साथियों के साथ। तो कुल मिला के मतलब कि ये था कि जो मापदंड पार्टी ने रखे हैं टिकटार्थी के लिए, भाई टिकटार्थी कैसा होना चाहिए, उसमें मैं अपने आप को जो दावा करते हैं टिकटार्थी उसमें मेरे ख्याल से मैं अपने आप को पहले नंबर पे पाता हूँ। अच्छा। बाकी डिसीजन हाई कमान ने लेना है, मगर अगर जो पार्टी कहती है भाई हम इन मापदंडों पे टिकट देंगे तो मेरे ख्याल से
इन मापदंडों में हाँ सी हल्के से कांग्रेस पार्टी में अकेला ही प्रेम मलिक है। अच्छा हाँ, आदेश पार्टी का रहेगा, कोई विरोध नहीं करूंगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिसको टिकट मिलेगी जिता के लाऊंगा। मगर पार्टी हाईकमान को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो दावा है वो मजबूती के साथ दावा है। चलो मान लेते, एक छोटा जवाब चाहूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। हाँ हाँ, टिकट आपको मिल जाती है, विधायक आप बन जाते हैं। हाँ, हर नेता का एक मकसद होता है, कैया का वाला घर भर लिया, कैया का सामाजिक सेवा। हाँ, आपका मकसद क्या है? देखिए, घर बनने की जहाँ तक बात है, मैंने बहुत अभाव देखा, बहुत गरीबी देखी, और भगवान ने, कुदरत ने अच्छे दिन भी दिखा दिए। नीयत खराब नहीं करूँगा, नीयत मेरी बिल्कुल भरी हुई है। पहले अकेला कमाता था, बच्चे भी कमाते हैं, दामाद भी कमाता है, बहू भी कमाती है। अब वो लालच तो मेरे मन से बहुत साल पहले ही हट गया था, जब मैंने समाज में जो है ना अपना भागीदारी शुरू की थी। तो ये तो आप भूल जाइए कि मैं इस मकसद से आया हूँ। रही बात ये, मैंने 4-5 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था, 100% जो भी हमारे से हो पाएगा बजट, 100% का 100% लगेगा, क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। काम करना मुझे आता है, काम लेना भी मुझे आता है, पढ़ा लिखा हूँ, व्यापारी भी हूँ, और हर वर्ग की भलाई लेके चलूंगा, हर वर्ग को साथ लेके चलूंगा। मगर मैं जो जरूरतमंद है उसको प्राथमिकता दूंगा, किसी भी रूप में हो सके, देनी भी चाहिए। चलो भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सिंह मलिक जी थे, और इन्होंने जो है एक दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के जो मापदंड है उनमें 80 विधानसभा में ये नंबर 1 पे है। आप इनकी बातों से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में खुल के कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।